नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। राजनीति चल रही है, सरगर्मी चल रही है, नेताओं का अलग पार्टी में ज्वाइनिंग चल रही है क्योंकि यहां पर राजनीति सबसे आगे है। पर तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो राजनीति से अलग हैं, वो मुद्दे हैं जनता जनार्दन के। वो जनता जनार्दन जो आपको सत्ता की सबसे ऊँची कुर्सी बैठाती है, उतारती है। जनता ही वोटर है, वही वोट देती है, वही तमाम चीज़ें को मैनेज करती है। मैनेजमेंट ने इसलिए कहा कि उसके बिना समाज की ना हम सोच सकते हैं ना लोकतंत्र की हम सोच सकते हैं। अगर जनता नहीं है तो लोकतंत्र कैसे बनेगा? पर ना जाने को जब जनता के मुद्दे होते हैं उसके लिए कोई भी यहां पर पहल नहीं करता। तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो लगातार चर्चा बने हुए हैं। स्वास्थ्य की बात करें, बेरोजगारी की बात करें, व्यवस्थाओं की बात करें, हर जगह दिक्कतें हैं। स्वच्छता अभियान की बात करें, दिक्कतें हैं। बीमारियों की बात करें, दिक्कतें हैं। अभी हाल में ही हमने कोरोना जैसी महामारी को झेला और पोल खुली हमारे सिस्टम की कि कहाँ कुछ अभी भी काम करना बाकी है। पर सिस्टम की बात ना करते हुए हम यहाँ पर और अन्य बातें भी यहाँ पर करेंगे क्योंकि यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम बात तो करते हैं सिस्टम की, हम बात करते हैं जनता की। पर वही जनता जब AQI लगातार बढ़ता चला जा रहा है, स्मॉग बढ़ता चला जा रहा है, धुंध बढ़ती चली जा रही है और लोग जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर हैं, पर यहां सुनवाई किसी के पास नहीं है क्योंकि यहां पर सत्ता पक्ष की बात करें या विपक्ष की बात करें, दोनों चुनाव में मशगूल हैं और जनता के मुद्दे हो गए गुल हैं क्योंकि यहां पर जनता का वोट सब चाहते हैं पर जनता की सुध लेना कोई नहीं चाहता। जनता को प्रदूषण बोल के चलते, जनता को अन्य व्यवस्थाओं के सहारे छोड़ देते हैं। ऑड इवन चलाएंगे या अन्य व्यवस्थाएं लेकर आएंगे, पराली जलाने के मुकदमे दर्ज करेंगे पर यहां पर व्यवस्था सुधारने के लिए कोई भी पहल करना नहीं चाहता कि जनता है, क्योंकि उनके लिए मौत या नुकसान केवल महज एक आंकड़ा है। पर जिनकी मौत होती है, जो बीमारी त्रस्त होते हैं, जिनका बीमारी के चलते आर्थिक नुकसान होता है, सामाजिक नुकसान होता है, परेशानी होती है, जो अर्श से फर्श पे आ जाते हैं, उसका यहां पर दर्द कोई सुनना नहीं चाहता। इसलिए हम जैसे खबर नबीसों की जिम्मेदारी है कि जब कोई ना सुने तो ऐसे तमाम मुद्दों को उठाया जाए, उठा रही है प्राइम डिबेट। यहां पर मामला आबो हवा का है, यहां मामला जहरीली हवा का है, यहां मामला सांस लेने का है, यहां मामला जिंदा रहने का है और यहां मामला सरकार के निकम्मेपन का है। सरकारें कहीं की भी हो, चाहे राज्य सरकारें हो या अन्य सरकारें हो, पर यहां से जिस तरह से चर्चाएं चल रही हैं वो अलग तरह की नीति बताती हैं। यहां पर बातें हो रही हैं पर कोई आबो हवा को बेहतर करने की कवायद नहीं कर रहा है और विडंबना यह है कि 40% के लगभग आबादी हमारे देश की जो कि उत्तर से शुरू होती है और बंगाल तक जाती है, वो आबादी जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर है। यहां तक कि पर्वतीय क्षेत्र यानी देहरादून भी नहीं बचा है, वहां पर भी AQI 150 से ऊपर जा चुका है, जो स्पष्ट करता है कि यहां पर जनता की सुध किसी को नहीं है। जनता की बात करना सब चाहते हैं पर जनता के लिए काम करना कोई नहीं चाहता। आबो हवा देखना सब चाहते हैं पर आबो हवा को बात करना कोई नहीं चाहता कि आबो हवा सुधरेगी कैसे। लगातार हाल बिगड़ रहा है और लगातार यहाँ प्रदूषण की मार है और जो स्थिति आपके सामने है ये हर साल होती है, ये आज की बात नहीं है, ये आज की बात नहीं है, ये हर साल की स्थिति ये है कि इस समय की जो दिक्कतें हैं वो हमेशा हो रही हैं। और हर बार कहा जाता है कि चीजें बेहतर करना है, हर बार कहा जाता है कि चीजों को बेहतर करते रखना है, हर बार कहा जाता है कि हम अनुभव लेंगे और बेहतर की तरफ जाएंगे, हर बार कहा जाता है कि हम नई व्यवस्थाओं को शुरू करेंगे, हर बार ये कहा जाता है कि अगली बार बेहतर होगा, हर बार ये भी कहा जाता है कि हम चीज़ों को दुरुस्त करेंगे, पर कितना दुरुस्त होता है ये हम भी जानते हैं। प्रदूषण की मार केवल सर्दियों में नहीं बल्कि हमेशा चलती है। हम लाख डीजल वाहनों को हटाने की बात करते हैं, हम लाख पुरानी गाड़ियों को हटाने की बात करते हैं, पर जब धरातल पर देखते हैं तो धरातल पर सुनवाई कुछ नहीं है। लगातार धुआं फेंकती गाड़ियां
आबोहवा खराब कर रही हैं और खुद धुआं फेंकने वाले लोग ही परेशान हो रहे हैं, क्योंकि यहां पर जो चर्चा हो रही है वो बड़ी महत्वपूर्ण है। उस चर्चा में आज कोशिश प्रयास किया जाएगा कि राजनीति ना हो, क्योंकि यहां पर सत्ता और विपक्ष दोनों चुनाव में व्यस्त हैं। और जब व्यस्तता चलती है तो मैंने आपको बताया कि हम जैसे खबर नवीसों की जिम्मेदारी है कि मामला बैठाएंगे, और मामले को हमने उठाया है। उठाना भी जरूरी है, बात करना भी जरूरी है, पर सबसे पहले सिस्टम को समझना भी जरूरी है। हम लाख बात करते हैं बेहतर करेंगे, हम लाख बात करते हैं हम अच्छा ही करेंगे, हम लाख बात करते हैं प्रदूषण खत्म होगा, पर ना जाने क्यों एनजीटी के सहारे और प्रदूषण बोर्ड के सहारे देश की आम जनता को छोड़ दिया जाता है, जो कि केवल सर्दियों में ही सक्रिय होता है कि जब समय आ गया है सक्रिय हो जाओ। ना पराली जलाने को रोकने की कवायद होती है और राज्य एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ते रहते हैं। कोई ऑडिबल लेके आता है तो कोई बोलता है कि यहाँ पर दूसरे राज्य से यहाँ पर पराली जलाने की शिकायत आ रही है। पराली पहले भी जलती आई है और आज भी जल रही है, रोकने की कवायद ना पहले हो रही थी ना अब हो रही है, और जनता यहाँ पर आबो हवा में, खराब आबो हवा में सांस लेने का मजबूर है। महत्वपूर्ण चर्चा पे हमारे साथ मेहमान जुड़ चुका है, सबको रूबरू करा दूं। भारतीय जनता पार्टी से विवेक श्रीवास्तव अपना पक्ष रखेंगे, प्रवक्ता कांग्रेस से यहाँ पर चंचल यादव अपनी बार रखेंगे, प्रवक्ता कांग्रेस से पंडित राज शर्मा अपनी बार रखेंगे, समाज सेवी के रूप में विवेक शर्मा अपनी राय देंगे और वरिष्ठ पत्रकार के रूप में सुनील त्रिपाठी भाई अपनी राय देंगे। आप सभी का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरा पहला सवाल रहेगा वो रहेगा विवेक श्रीवास्तव। विवेक भाई, माहौल चुनावी है मैं जानता हूँ, खूब तकवाद चल रही, मेहनत बहुत चल रही है, जनता की सुध कब लेंगे? क्या हर बार एनजीटी प्रदूषण बोर्ड को ठीकरा फोड़ेंगे या हर बार पराली जलाने को लेकर कार्रवाई करेंगे? स्थाई कार्रवाई क्यों नहीं होती है? स्थाई समाधान क्यों नहीं होता? क्या इसी AQI में 100, 200, 300, 500, 700? मैं आपको बता रहा हूं आंकड़ा कि दिल्ली में 900 से ऊपर जा रहा है। वो दिल्ली जो हमारे देश का सिरमौर है, वो दिल्ली जो हमारे देश की राजधानी है, वो दिल्ली जहां पर बड़े बड़े नाम बैठते, वो दिल्ली जहां से देश की नीति और योजनाओं की शुरुआत होती है, वो दिल्ली जहां से तमाम तरह के निर्णय लिए जाते हैं। पता चले क्यों प्रदूषण के मामले में निर्णय क्यों नहीं होते, कार्रवाई क्यों नहीं होती, शांति क्यों है, और केवल केवल जनता को व्यवस्थाओं के सहारे छोड़ दिया जाता है, ऐसा क्यों? प्रवक्ता भाजपा विवेक श्रीवास्तव, जवाब आपको देना। आज सबको मजबूर कर रहा है, इस पर चिंतन मनन होना चाहिए। अच्छा, मना नहीं करते रहिए बस। हाँ, और जो स्थिति है आमतौर पर हर बार देखा जा रहा है कि इसी समय दिल्ली का प्रदूषण सीमा के पार चला जाता है। अच्छा, प्रदूषण के बहुत से कारण होते हैं। अच्छा, फैक्ट्रियों से निकलने वाले धुएं, अच्छा, भट्टों से निकल, चिमनियों से निकलने वाले धुएं, अच्छा, नव निर्माण से उड़ने वाली धूल, अच्छा, तमाम ऐसे कारण होते, गाड़ियों से निकलने वाले धुएं, अच्छा, लेकिन इस सब के बावजूद भी जो AQI का स्तर सबसे बिगड़ा होता है जी, वो इसी मौसम में होता है। अच्छा अच्छा, तो ये तो साफ है कि ये फसल कटने का समय है। अच्छा अच्छा, और जो बड़े बड़े खेतों में बड़ी बड़ी कंबाइन मशीनों से फसलें कट रही हैं, अच्छा अच्छा, वो लोग पराली को जला रहे हैं। ठीक, और पराली के जलने का जो दुष्परिणाम होता है गौरव जी, वो हवा के साथ वो धुआं कहाँ तक चला जाएगा, अच्छा, इसकी कोई कल्पना नहीं है। अच्छा, आप पराली यहाँ जलाएं, हो सकता 10-20 किलोमीटर दूर आगे जा करके भी वहाँ, अच्छा, वहाँ का माहौल को, मौसम को धुआं बिगाड़ सकता है। और राज्य सरकारों के द्वारा तमाम कोशिशों के बावजूद भी पराली जलाने की घटनाएं, अच्छा अच्छा, नियंत्रण में नहीं आ रही है, कह लीजिए या खत्म नहीं हो रही है, अच्छा अच्छा, मुकदमे भी हो रहे हैं, तो इससे तो स्पष्ट है कहीं ना कहीं किसानों को हम जागरूक करने में जी सफल नहीं रहे। अच्छा, प्रदूषण, खासकर प्रदूषण का जो विषय है पर्यावरण जी, ये मूलतः तो राज्य सरकार के ही अधीन विषय आता है, इम्प्लीमेंट सेक्शन। अच्छा, लेकिन कुछ हद तक इसमें मॉनिटरिंग का काम भारत सरकार का भी होता है। अच्छा,
तमाम ऐसे संस्थाएं जी जो बड़े लेवल पे हैं जी, उनको एनओसी भारत सरकार के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की भी आवश्यक होती है जी। बाकी तो राज्य स्तर पर जो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड होते हैं वो देते हैं। अच्छा, मैं फिर कहता हूँ कि जो भी ये जिस स्थिति पर हम आप आज चर्चा कर रहे हैं, अच्छा, स्थितियाँ विकराल होने के लिए जो रूटीन में जो प्रदूषण हो रहे हैं वो इतने इफेक्टिव नहीं जितने ये इसी केवल मौसम में जो बार बार हम लोग इस विषय पर चर्चा के लिए बैठते हैं। अच्छी बात कही, वो पराली का विषय है। अच्छा, और इस पर नियंत्रण लगाने के लिए राज्य सरकारों को गंभीर होना पड़ेगा। विवेक भाई, पराली से धुंध आ रही है, स्मोक आ रहा है जी, तब प्रदूषण तो यहाँ पर गाड़ियों से, डीजल वाहनों से आ रहा है। पुरानी गाड़ियाँ काटने की बात कही जाती है, हटाने की बात कही जाती है जी। और आप दिल्ली की बात कर रहे हैं, दिल्ली सटे NCR नोएडा भी आता है, गाजियाबाद भी आता है, मेरठ भी आता है, आगरा भी आता है। कल स्थिति थी आगरा में, ताजमहल नजर नहीं आ रहा था धुंध से जी। वो धुंध यहाँ पर पराली की नहीं बल्कि प्रदूषण की है। और मैं आपको जानकारी बता दूं कि AQI जो होता है अच्छा होता है 50 मालूम, और वो जानकारी आपको होगी, और 100 संतोषजनक होता है। तो AQI तो 100 आपको कभी रहते ही नहीं है, हमेशा यहाँ पर 150, 200, 250 बना रहता है। तो यहाँ पर पराली को दोष देना नहीं, और अगर पराली सुनिए पराली को दोष दे भी देंगे बेबे भाई, तो आपको केवल प्रदूषण के मामले में NGT और प्रदूषण बोर्ड ही कार्रवाई क्यों करता है? आप इसके लिए खुलकर कोई नीति क्यों नहीं बनाते हैं, और इसके लिए सरकार गंभीर क्यों नहीं? हर बार ऐसा होता सर्दी में, और हर बार व्यवस्थाएं खराब होती हैं, और उसका नुकसान, उसका खामियाजा आम जनता भुगतती है। वो जनता जो आपको कुर्सी पर बैठाती है, वो जनता जो वोटर है, वो जनता जो जनार्दन है, जनता के लिए सम्मेलन करते, जनता के लिए तमाम काम करते हैं, पर जनता के लिए जब यहाँ पर आबो हवा जहरीली हो गई है तो उसके लिए आपको सुध नहीं है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि अभी तक सरकार की तरफ से कोई बड़े बड़े बयान आते हैं, चुनावी बयान आते हैं, ये जब कटा चाहते हैं, पर मैं यही देख रहा हूं ये विडंबना है या व्यवस्था है कि अभी तक सरकारी महकमे का, किसी बड़े नेता का, बड़े मंत्री का कोई बयान नहीं आया, कोई जिम्मेदारी नहीं आई जो कहे कि जनता परेशान ना हो, हम काम कर रहे हैं। पर काम करें क्या, चुनाव मजबूर है और चुनाव यहाँ पर शुरू है, और चुनाव का ही शोरगुल है। बेबे से जवाब आपको देना है, बेबे चंचल यादव को भी बात लूंगा जी। देखिए गौरव जी, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A के तहत अच्छा इस तरह के बोर्डों का गठन होता है। अच्छा अच्छा और ये प्रदेश में वन एवं पर्यावरण मंत्रालय पूरा होता है विभाग, बिल्कुल होता है, उसी के तहत ये अच्छा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भी आती है। अच्छा, और उनकी जिम्मेदारी होती है कि इस तरह की चीजों पर निगरानी रखें, अगर वो जिम्मेदारी पूरी नहीं करते तो क्या करें। तो इसके ऊपर उनका विभाग है, हाँ, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय पूरा एक विभाग होता है, स्टेट वाइज होता है। अच्छा, और उनकी जिम्मेदारी होती है। मैं फिर कह रहा हूँ जिस विषय से आज हम आप परेशान हैं, हाँ, ये देखिए गाड़ियाँ हमेशा वही रहती हैं, बिल्कुल मिले वही हैं, अच्छा निर्माण उसी तरह से चल रहा है, तो जनता को छोड़े रहेंगे ऐसे ही। मेरी बात सुन लीजिए जी, केवल केवल पराली के ही सीजन में स्थितियां गंभीर होती हैं। अच्छा, इसके लिए हम चाहे सरलता से मान जाए, अच्छा, चाहे किसी, तो आप कहना है आपके पास कोई सोल्यूशन नहीं है, कोई समाधान नहीं है, पराली जलती रहेगी, आप यहाँ पर हाथ प्यार रखे बैठे रहेंगे। मैं ये मानूंगा, मेरी बात सुन लीजिए, इसके लिए क्यों आपने पूरा ठीक रहा पराली पे ठोक दिया जी। हमारा ठीक रहा, अरे आप बोल ही रहे, आपने सोल्यूशन का दिया मुझे, कहते हैं कि हम अपनी बात वापस लेते हैं, आप खुश हो गए, हाँ, अरे मैं क्या खुश हो रहा हूँ, आप क्या चाहते हैं मैं बैठ के झूठ बोलूँ? अच्छा, जब आपको मालूम है, हाँ, कि गाड़ियाँ यही है, अच्छा शुगर मिले या कोई भी फैक्ट्रियाँ यही है, अच्छा भट्ठे यही चल रहे हैं, अच्छा तो अगर इसी सीजन में स्थितियाँ हो रही हैं तो ऐसा क्या विशेष हो रहा है, अच्छा, जिसके धुएं से माहौल बिगड़ रहा है? अच्छा, तो वो केवल केवल पराली जो इसी सीजन में समस्या उत्पन्न करती है, इसके आगे पीछे के सीजन में स्थिति नहीं रह जाती। अच्छा, तो मैं इसलिए आप कह रहे मैं ठीकरा फोड़ा, मैं ठीकरा नहीं फोड़ रहा हूँ, अच्छा, मैं आपको सत्य बता रहा हूँ, अच्छा, कि जिस कारण से स्थिति बिगड़ रही है। चल ठीक है, धुंध रहती है बेबी भाई, धुंध प्रदूषण कम नहीं होता, प्रदूषण वही रहता है। सुन लीजिए जी, अभी बरसात हो जाएगी, अच्छा मौसम और अच्छा हो जाएगा, अच्छा। आपने कहा कि 50 बरसात कराएंगे क्या अभी? आपने कहा 50 नहीं जाती AQI लेवल, अच्छा बरसात में जाता है, बरसात कराएंगे क्या अभी सर्दियों में? मेरी बात सुन, क्यों नहीं होती है? हाँ, अभी देखिएगा दिवाली के बाद बरसात की चले आएंगी। चलिए आपकी बात हो गई, यानी बरसात होगी, चलिए की बरसात होती रहेगी, फिलहाल सरकार यहाँ पर कुछ नहीं करेगी, बरसात का इंतजार करिए, ठीक है, सभी जनता बरसात का इंतजार करेगी। चंचल यादव, आप भी बरसात का इंतजार करेंगे क्या? नहीं देखिए गौरव जी, हम समाजवादी लोग, हाँ तो आप भी व्यस्त हैं चुनाव में, आप भी, आपको कोई सुनवाई नहीं हुए। देखिए आबो हवा को लेकर
आपके नेता कोई ट्वीट नहीं आया, कोई ट्वीट नहीं आया, जनता परेशान है, जनता आपकी है, अलग है क्या? नहीं नहीं गौरव जी, देखिए समाजवादी लोग करके दिखाते हैं, और इतिहास रहा है समाजवादियों का, विकास का इतिहास रहा है। अच्छा, विकास मैं बड़े टेक्निकल और तथ्यात्मक बात करूंगा, बात कर लीजिए। हाँ, सुनूंगा मैं। मैं आपको बताता हूं कि 2017-18 में सरकार ने 6 करोड़ पौधे लगाए, 18-19 में 12 करोड़, 19-20 में 22 करोड़, 20-21 में 25 करोड़, 21-22 में 30 करोड़, और हमारे मुख्यमंत्री जी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, 35 करोड़। कोई दिक्कत है क्या आपको? अब 131 करोड़ पौधे लगा चुके हैं मुख्यमंत्री जी। लेकिन गौरव जी, बड़ी ईमानदारी से मैं एक बात आपसे पूछूंगा आज, और बड़े मतलब आपको सुनकर के आश्चर्य होगा कि 131 करोड़ पौधे कहां पे लगे हैं। और मैं आपका धन्यवाद करता हूं, इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पे आप डिबेट कर रहे हैं, और ये दोबारा डिबेट कर रहे हैं आप जी। ये पहली बार नहीं, एक बार अभी आपने, और एक बार जो है पॉल्यूशन को लेकर के आपने डिबेट करी थी, विवेक शर्मा जी सर थे, और संजोग ऐसा है कि आज श्रीवास्तव जी भी वही लोग थे, पूरी टीम हमारी यही थी, राज भाई भी थे। मैं एक बार फिर से मैं आपका तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूं, आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं, कम से कम इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर डिबेट करा रहे हो आप। मैं 131 करोड़ पौधों की बात कर रहा था, आपने कहा कि आप क्या कर रहे हैं हमारी सरकार में। आपको याद दिलाता हूं, मैं हमारे विवेक भाई भी जब भी कभी जनसर मिश्रा पार्क जाते हैं तो एक बार दिल से धन्यवाद बोलते हैं आदरणीय अखिलेश यादव जी का, क्या बात है, दिल की आवाज निकलती है इनके, लेकिन मुंह से नहीं बोल सकते ये। अच्छा, आप सुनिए एक बात बताता हूं, जितने अधिकारी, जितने मंत्री, जितने नेता, सबके सब लोग कहां जाते हैं? जनसर मिश्रा पार्क। कहां जाते हैं? लोहिया पार्क। जानते हैं कौन बनाया? समाजवादी लोग। करोड़ों की संख्या में पेड़ लगे हैं, और गौरव जी आप ही जान लीजिए पार्क पूरे एशिया का सबसे बड़ा पार्क है समाजवादी लोगों ने, और हमारे आदरणीय नेता अखिलेश यादव जी की सोच थी, एक ऐसी सोच थी कि उन्होंने कम से कम आम जनमानस के इतना बड़ा पार्क बनाया। और तो यही नहीं, आप लायन सफारी आपने देखा होगा। मैं गौरव जी बता दूं आपको कि एक बार अगर लायन सफारी आप होके आ जाएंगे तो एक बार जरूर इस बात को धन्यवाद करेंगे कि आदरणीय नेता हमारे अखिलेश यादव जी क्या सोच रही होगी, क्या उन्होंने पॉल्यूशन को लेकर के। सुन लीजिए मेरा सवाल ले लीजिए, मेरा सिर्फ सवाल है कि यहाँ जनता का हाल खराब है। नहीं मैं बता, आबोहवा जहरीली है, समाजवादी पार्टी क्या रोकेगी? अब तक कोई यहाँ पर ट्वीट या कोई चिंता नहीं जताएगी, चिंता जताई जाएगी। अब मैं वहां पे आ रहा हूं, पार्टी का इसको लेकर सरकार को आंखें खोलेगी कि जाग जाइए गौरव जी, दूसरा बोर्ड के भरोसे ना रहिए, नहीं नहीं कर लीजिए। अब मैं उस बात पे आ रहा था, बोल लीजिए। हाँ। कि आप खुद सोचिए कि हम लोगों को जब भी मौका मिला है, हमारे श्रद्धेय नेता नेताजी मुलायम सिंह यादव जी ने लोहिया पार्क बनाया टॉप क्लास का, और लंदन सुनिए। हाँ। भाई आप बताओ, अगर ये पेड़ पौधे नहीं लगेंगे, बीजेपी के साथी ने बताया कि बोर्डों का गठन होता है, सब धाराएं बता दिए आर्टिकल 51 के तहत, पता नहीं क्या क्या सब बता दिया। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप कर क्या रहे हो, और इस मुद्दे पे सरकार क्या कर रही है? हाँ। और ये इसके ऊपर कोई जवाब नहीं है, सुन लीजिए गौरव जी। हाँ। और यहाँ पे हम कह रहे हैं बोर्डो गठन हो रहा है। हाँ। सब केवल भारतीय झांसेबाज पार्टी। अच्छा, भारतीय जुमलेबाज पार्टी। अच्छा। हमारे मुख्यमंत्री जी अभी फिर से एक बार गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड दर्ज कराएंगे दीपक जला करके। अच्छा। तो सरकार का एजेंडा होना चाहिए कि हमें क्या करना है। आप सोचिए, आप एक तरफ जो है अभी दीपक जलाएंगे आप, और आप सोचो वही जस्ट एक घंटे बाद वही बेचारे गांव के गरीब, अगल बगल के गरीब बच्चे उसी दीपक से तेल निकालते दिखाई देंगे आपको, वो रूह कपा देने वाली दृश्य आपको देख कर आपको हतप्रभ रह जाएंगे। कि सोचिए एक उनके पास कम से कम मौका मिलता है, कम से कम तेल इकट्ठा करके उनके घर के जो है कम से कम जो है कार्यक्रम होना चाहिए। और सुनिए अब बता दूं आपको, और आपको बताएं, मैं भी गांव से आया हूं कल, आपसे अब जानकारी होगी आपको, आप बिलीव नहीं करोगे। देवारा बेल्ट हमारे यहाँ पड़ता है, और उस देवारा बेल्ट में लाइट नहीं है, और लाइट के बाद लाइट आप जाने कितने घंटे आ रही है, इसके अलावा केरोसिन आयल ने बंद कर दिया। ये हमारे प्रधानमंत्री तो नहीं मेहनत करते हैं आजकल, 24-24 घंटे मेहनत करते हैं हमारे बीजेपी के नेता प्रवक्ता कहते हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी सोते ही नहीं है। चंचल यादव की स्टेटमेंट जानना चाहता हूं, हमारी पार्टी विपक्ष की भूमिका में है, अन्य पार्टियां विपक्ष की भूमिका नहीं है। आप अगला क्या वो नीति? अरे समाजवादी लोग गौरव भाई सड़क पे हैं और इनको आईना दिखाने का काम कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग बेशर्मी की सादी हदें पार कर दिए हैं। आप सोचिए अभी बताइए, बीजेपी के जो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी हैं, अभी मैं पूछूं, अगर सुन लीजिए सॉरी, हमारे मुख्यमंत्री हैं, अभी मुख्यमंत्री सवाल अगर पूछा जाए कि आप ये बताइए 131 करोड़ पौधे कहां पे हैं? अच्छा। एक कोई पार्क बता दो जहां पे 100 200 500 दिखाई दे रहे हैं आपके पार्क में, एक भी पहीं दिखा दो आप, लेकिन आप दिखा नहीं पाओगे। जैसे हमने आपको बताया कि लायन सफारी से लेकर जनसर मिश्रा पार्क से लेकर के आपको लोहिया पार्क से लेकर के लाखों करोड़ों पौधे दिखाई देंगे आपको, दिखाई देंगे जो है वर्तमान में पौधे, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी फोटो खिंचवाते हैं, आदरणीय मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री फोटो खिंचवाते हैं। जनता की नजर से एक एक मुख्य मैं खबर नबीस हूं और जनता का प्रतिनिधि हूं,
मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, पौधे लगाना और पर्यावरण को संरक्षित करना ये केवल सत्ता की जिम्मेदारी नहीं है, ये जिम्मेदारी विपक्ष की भी है और प्रत्येक नागरिक की भी है। तो यहाँ पर पौधे लगाने की कार्रवाई विपक्ष भी कर सकता है, एज ए नागरिक हम सब कर सकते हैं। और हम लोग तो आईना दिखा ही रहे हैं, चलिए ठीक है, आपको दीपक से ज्यादा अच्छे पौधे लगाओ आप, कम से कम उसके सुरक्षा हो। बोले बेबी भाई कुछ बोल रहे हैं, बोलिए चलिए बोलिए समय कम है। बहुत तरीके से अपनी बात रखी, इन्होंने जनेश्वर मिश्रा पार्क का नाम लिया, इन्होंने अपने उस पार्क का जिक्र करना भूल गए, अच्छा, जो चेक गंजरिया फॉरन उजाड़ करके इन्होंने लखनऊ के पर्यावरण के साथ जो पाप किया, अच्छा, जिस तरह से उसको उन्होंने उजाड़ा और पूरा साफ करके उसको बिल्डरों को खुर्द बुर्द कर दिया, अच्छा, आज वहाँ कंक्रीट के जंगल खड़े हो गए। अरे हमने अडानी अंबानी को नहीं दिया कम से कम ना भाई, हमने सुन लीजिए जहाँ से पूरा लखनऊ ऑक्सीजन पाता था, अच्छा, इसी शहीद पथ के किनारे चेक गंजरिया फार्म, उसको तोड़ करके बिल्डरों को दे दिया, तुम होटल बनाओ, तुम माल बनाओ, तुम कॉलोनी बनाओ, पूरा इन्होंने उसको नष्ट कर दिया। अमूल, पराग, एसीएल, इंफोसिस के कैंपस बने हैं, किसी बिल्डर को नहीं दिया गया है। रुक जाइए, मैं नाम ले लूंगा तो आप परेशान हो जाएंगे। एशिया के थोड़ा कैंसर इंस्टीट्यूट बना है, नाम लेना शुरू कर दूंगा तो भी आपको दिक्कत हो जाएगी। चले बाकी लोग भी जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए। कहने को आप जनेश्वर मिश्रा पार्क को आप बताते रहे थक रहे हैं, लेकिन जो लखनऊ के पर्यावरण के साथ आपने किया है, और रही बात पेड़ लगाने की, तो मैं आपको दिला दूं 1 करोड़ पेड़ तो अखिलेश जी भी लगा के गए थे, वही बता दो समाजवादी पेड़ कहाँ दिख रहे हैं 1 करोड़। अरे पेड़ जो समाजवादी ये कहते नहीं थक रहे हैं, मैंने समाजवादी पाप बता दिया, इन्होंने पर्यावरण के साथ किया, इन्होंने जो नदियों के साथ किया, नदी को दीवार से बंद करके, इसके बाद जो इन्होंने जो रिवर फ्रंट नहीं, आपने गोमती की हत्या की है, गोमती गोमती वो नदी नहीं है जो बर्फ से पानी पाती है, गोमती सोतो झावरों से पानी पाती है, और 1 करोड़ पेड़ जो अखिलेश जी लगा रहे वो दिखा दो कहाँ है। विषय ये है, विषय आज विषय जो चर्चा हो रही है, आज पराली समस्या है। चलो ठीक हो गया भाई, भाई गोमती की बात मत करिए, गोमती की हालत आज आप देखेंगे, जाके पुल पे जाके देख लीजिए कितने नाले गिर रहे हैं, वो आज गोमती की आधी गोमती जिसको माँ बोला जाता है उसकी हालत इंद्र डिबाल बनाई थी, और दुर्दशा किसके शासन में वो आप देख लीजिए, मैं बात नहीं करूँगा। पानी साफ तो हम लोग बार, चले, देख बार, बार बार करूंगा, आप भाई अलग नहीं है, मुद्दा किसी ने रखूंगा गोमती का भी। प्रवक्ता कांग्रेस राज भाई बड़े मुस्कुरा रहे थे, तमाम चर्चा का बड़ा मुद्दा है यहाँ पर, और अब मुस्कुराहट का राज भी पूछ लेता हूँ और इस तमाम समस्या पर हल पूछ लेता हूँ। प्रवक्ता कांग्रेस राज शर्मा, मैं सबसे पहले जो आप कह रहे थे मैं मुस्कुरा रहा हूँ, अभी बीजेपी के प्रवक्ता विवेक भाई कह रहे थे, इन्होंने तो एक ऐसा दिखा दिया जैसे गाय का ऐसे, गाय की 4 टांगे होती है, 2 आंखें होती है, दूध देती है, काले और सफेद रंग की होती है। आपका सवाल ये नहीं था, मैं आपसे एक बात बिल्कुल आंख से आंख मिला के कह सकता हूँ विवेक भाई से, ये जब तक आपने अभी एक बात कही थी, अपनी बात को काटते हुए कहता हूं कि सिर्फ सरकार का काम नहीं है पेड़ों को बचाना, पर्यावरण को बचाना, जी इसमें 2 राय नहीं जी, लेकिन सरकार का ये भी काम नहीं कि पेड़ लगा के अपनी वाहवाही। क्या बात है, मैं कह रहा हूं कि जब 1 करोड़ या भी सपा के प्रवक्ता भाई बता रहे थे इतने पेड़ों के बाद, क्या मुख्यमंत्री बताएंगे आने वाले 2 महीने में कितने पेड़ बचे, अच्छा क्या बचा पाएंगे। अभी एक और बात कह रहा था विवेक भाई, हमेशा क्योंकि अच्छे इंसान है लेकिन गलत पार्टी में, अच्छा जब तक गौरव भाई प्रदूषण युक्त नेता खत्म नहीं होंगे, अच्छा जब तक इस देश का पर्यावरण प्रदूषण युक्त नेता नहीं होगा, मैं कह रहा हूं आपसे, अच्छा क्यों नहीं होगा इस पे देखिए, हर चीज की समस्या है, समस्या तो उसका हल है, लेकिन हल क्या है। भारतीय जनता पार्टी के नेता जो मेरे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री हैं, लेकिन वो देश के प्रधानमंत्री कहां बन के रह रहे हैं, अच्छा। वो तो भारतीय जनता पार्टी के रह रहे हैं, अच्छा वो छत्तीसगढ़ में गालियां बक रहे विपक्ष को। इस वक्त प्रधानमंत्री जी का रोल होना चाहिए था, विवेक भाई का रोल होना चाहिए था, जो इन्होंने पेड़ लगाए उसकी देखभाल कैसे हुई, अच्छा। और ये बताना था टीवी पे, अच्छा। कि अगर हमने करोड़ों पेड़ लगाए, अच्छा तो उसमें 1 लाख लगाए तो 90 लाख बचे हुए, अच्छा। लेकिन ये लोग नहीं कर रहे, अच्छा। मैं आज भी गौरव भाई एक बात कहता हूं, ये नक्कारों की सरकार है, ये प्रदूषण देखिए, आप और मेरे और जितने लोग हम बैठे हैं, अगर हम 5 लोग एक जगह एक कमरे में बैठ जाएं
तो हमारी नकारात्मक ऊर्जा भी उस कमरे को प्रभावित करेगी और हमारी पॉजिटिव एनर्जी भी उस कमरे को प्रभावित करेगी। तो इसलिए देश में जो सरकार चल रही है, इस भारतीय भारत की जो बेटी जलाओ पार्टी है जी, वो उसकी जो नकारात्मक ऊर्जा है वो इस पर्यावरण में समाहित हो गई। और जब तक विवेक भाई आप लोग नहाते वक्त चलिए नमक को नहीं डालोगे, जब तक आपकी नकारात्मक ऊर्जा और इस देश के पर्यावरण की नकारात्मक एनर्जी खत्म नहीं होगी। हमें मत बताओ कि ये होगा, हम भी एनजीटी पीजीटी सब जानते हैं, पढ़े लिखे हैं, और विपक्ष के नेता आप लोगों के नेताओं से ज्यादा पढ़े लिखे हैं, हम लोग अनपढ़ नहीं है जी, ठीक। मगर आप कम से कम देखो तो योगी जी ने पेड़ लगाए जी, मैं दावा करता हूँ 20% पेड़ जीवित हो। चले चले, इन्होंने सबसे ज्यादा इन्हीं के शर्मा जी, मैं आपको कुछ गलत करते हैं गौरव भाई जी, मैं पूछना चाहता हूँ, यही प्रदूषित है। सुनिए प्रदूषित, चल ठीक है राज भाई, इनकी आपने देश की बात कर ली, इनकी गवर्नमेंट जहां उसकी बात कर ली। जयपुर का AQI 254 है, कौन जिम्मेदार है? वो जिम्मेदार रायपुर का सुनिए मेरा सवाल ले लीजिए, रायपुर का AQI 195 है, कौन जिम्मेदार है? पहाड़ों की राजधानी, पहाड़ों की नगरी शिमला का AQI 150 से ऊपर है, कौन जिम्मेदार है? सारी जिम्मेदारी पार्टी क्या, अच्छा यहाँ भी जिम्मेदारी बीजेपी की है? नहीं, मैं मेरी बात सुनेंगे तो पूरा जवाब दूंगा, सुना लीजिए। हाँ। ये जहाँ पे देखिए, एक और बात, आप अगर अपने घर में झूठ बोलोगे नकारात्मक ऊर्जा आएगी। अच्छा। भारतीय ऊर्जा पर बताइए मुझे नकारात्मक सकारात्मक सब पता है, मुझे तीन राज्यों को बता दीजिए, मुझे बता दीजिए, यही लोग फैला रहे हैं, ये फैला रहे हैं। एक और बात, हिमाचल में है, मैं बता रहा हूँ, हिमाचल में क्योंकि सीजन चल रहा है, यहाँ से गाड़ियां जा रही। अच्छा अच्छा। और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के नेता गाड़ी ले जा रहे हैं। अच्छा, ये लोग नकारे, मैं बता रहा हूँ विवेक, चले ठीक, ये नकारे लोग हैं, इनके कारण प्रदूषण जयपुर में भी ऐसे हो रहा है, प्रदूषण छत्तीसगढ़ बीजेपी जा रही है, जयपुर में अमित शाह जी गए, मुझे डिबेट हाथ से पद लग रही थी, हो गया हो गया हो गया हो गया, ये पर्यावरण पार्टी का तो क्या बोलेंगे, चल ठीक है चलिए हो गया। विवेक शर्मा समाज सेवी, विवेक भाई यहाँ तो तमाम तरह के, कोई पानी गिरा रहा है, कोई पेड़ गिरा रहा है, तो राज भाई तो बोल रहा है जहाँ बीजेपी जा रही है प्रदूषण बढ़ जाता है, गाड़ियों में प्रदूषण हो रहा है, चले वो भी मान लेता हूँ, डिबेट बहुत महत्वपूर्ण है पर हास्पर हो गई थी, पर हास्पर मैं होने नहीं दूंगा, ये जिम्मेदारी मेरी है। बे भाई क्या जिम्मेदारी है, क्या सरकार यहाँ पर पानी का इंतजार करेगी, या पराली के खिलाफ कार्रवाई करने का इंतजार करेगी, या एन समय पर प्रदूषण बोर्डों को कोसेगी, जिम्मेदारी किसकी है और कौन इसका उत्तरदायी है? समाज सेवी विवेक शर्मा। गौरव जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा मुद्दा उठाया आपने, जन सरोकार से जुड़े मुद्दे को आप लगातार उठा रहे हैं और उठाते रहेंगे, ये मेरी शायद मैं अपने दिल से चाहता हूं कि आप इसको कभी रोकिएगा नहीं, क्योंकि आप जिस तरीके से मुद्दों को उठाते हैं मुझे नहीं लगता कि सरकारी जो हमारे सिस्टम है उसको कुछ दिखाई और सुनाई देता है। क्या बात है, अभी तक मैं ये देख रहा था कि जो हमारे पक्ष वाले हैं या विपक्ष के हैं वो सब अपनी अपनी बातें कर रहे थे, किसी ने पेड़ लगवा दिए, किसी ने पेड़ उखड़वा के कहीं और डलवा दिए, ये इसका कोई औचित्य नहीं होता है। बिल्कुल। प्रेजेंट टाइम हम लोग क्या कर रहे हैं, हम जनता को क्या दे रहे हैं? बिल्कुल। इस पॉल्यूशन से बचाने के लिए जो आंखों में चुभन हो रही है, जलन हो रही है, अगर आप टू व्हीलर से चले जाइए तो आप जा नहीं सकते, बिल्कुल सही बात है, इतनी जलन हो रही है, आप फोर व्हीलर से चले जाएंगे तो आपको विजिबिलिटी नहीं दिखाई दे रही, बिल्कुल बिल्कुल। और आपको बता दूं अभी जिस जगह पर मैं बैठा हूं, ये कुकरेल का एक हिस्सा है जहां पर 254 AQI है, अब बताइए कितनी अच्छी यहां पर धूल के कण हो रहे हैं, बिल्कुल, कितनी अच्छी विजिबिलिटी हो रही है। ये जो नाकारा प्रबंधन है हमारे लखनऊ का, क्योंकि मैं आपकी डिबेट में बार बार कह रहा हूँ, ये हमारा नाकारा प्रबंधन है, नाकारा प्रबंधन लीजिए LMC का जी, ये हमारा जो लखनऊ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, ये बैठा हुआ क्या करता रहता है, लगातार निर्माण कार्य चल रहा है भाई, ये जो आप प्रदूषण विभाग है इसके पॉल्यूशन वाले तो खुद ही पॉल्यूटेड है मुझे लग रहा है, क्योंकि वो तो कहीं दिखाई नहीं देते, पूरे साल भर गायब रहते हैं। और केवल संज्ञान लेने के लिए आपने देखा होगा किसी, क्योंकि मैं एक आपको और धन्यवाद देता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, मुझे भाजपा वालों ने विपक्ष का जनप्रतिनिधि बना दिया। हाँ, भाई पता है, अभी डिबेट की लास्ट की बात है, जी जी जी, आप भी की डिबेट में बनाया गया जी।
तो मैं उसी उसी के नाते एक चीज मैंने विपक्ष का तो इसी विपक्ष के समाज सेवी ने किसी भी हमारे जो विपक्षी पार्टियां हैं उन्होंने तो नहीं पूछा सरकार से, लेकिन मैंने ही ट्वीट किया था आज से चार दिन पहले और आपने देखा होगा उसके दो दिन के बाद में जो गाड़ियां खड़ी हुई थी आरआर विभाग में, तो वहां के विभागाध्यक्ष ने यहाँ पर एक गाड़ी एहसान करते हुए कुर्सी रोड पर भेज दी, और वो भी दिन के टाइम दीजिए, मतलब वो मुश्किल से 5 किलोमीटर तक उसने अपना एक चक्कर पूरा किया होगा, डीजल बनाया जो भी बनाया, उसके बाद वो दोबारा दिखाई नहीं थी। अच्छा, 1 करोड़ रुपए की ये जो मशीनें खरीदी गई थी स्मोक गन मशीनें जो खरीदी गई थी, जो बड़ी बड़ी गाड़ियों पे आपने देखा होगा कि करोड़ों रुपए खर्चा कर पानी छिड़काव के लिए, बिल्कुल, ये कहाँ चली गई वो गाड़ियां, क्यों धूल खा रही है, क्यों गंदम अवस्था में पड़ी है, नहीं इतने व्यस्तता क्या है कि जिस समय पर लोग सांस लेने की परेशानी समस्याओं से ग्रसित हो रहे हैं, लोगों के मतलब श्वसन तंत्र खराब होते चले जा रहे हैं, फेफड़ों पे इन्फेक्शन हो रहा है, लोग हार्ट की प्रॉब्लम से क्रिएट हो रहे हैं, ये कब जागेंगे हमारे, केवल जिम्मेदारी यहाँ पे बैठ के करने के लिए जागते हैं कि सुबह 9 बजे उठे और सीधे मंडला कार्यालय में या डीएम कार्यालय में बैठे, वहां पर बैठक चल रही है, क्या कर रहा है शासन, क्यों नहीं टाइट करता इनको जी, कर्मचारी क्यों रखे हुए हैं, क्या समाज से भी बताएंगे, बहुत बढ़िया क्या कि जनता बताएगी इनको नहीं दिखाई देता, ठीक, ये तनख्वाह लेना बंद कर दे जी, हम लोगों को बिठा दे, हम ही लोग बता देंगे कहां पर किस जगह पर क्या इनको काम करना लगता है भाई। आप देखिए पूरी सड़कों पर, पूरे लखनऊ की सड़कें बजबजा रही कूड़े के ढेर पर, बिल्कुल, जहां देखिए वहां पर आपको वहां पर पशु वहां पर दिखाई दे जाएंगे, रोड पर भागते हुए दिखाई दे जाएंगे, एक्सीडेंट होते, ये क्या कर रहे हैं जिम्मेदार, ठीक है देव शर्मा, बड़े बड़े दावे और वादे करते हैं और केवल खोखले दावे और वादे। अभी आप देखिए दो दिन पहले ही मंडला महोदय ने LDA BC के साथ में एक बैठक करी थी जिसमें कहा गया था, इसमें एक आदेश निर्देश जारी हुए थे कि जहां पर भी निर्माणाधीन बिल्डिंगे हैं उस पर आप ग्रीन कलर का वो कपड़ा लगाकर उसको बंद करेंगे, है ना, जाल लगाया जाएगा, कहां किस जगह पर जाल लगाया, भाई मेरा मानना यह है कि अगर यहां पर जाल लगाने वाली बात भी नहीं है, अगर AQA लगातार बढ़ रहा है और पराली जलाने की समस्या भी आ रही है, स्मोग आ रही है, तो मेरे ख्याल से निर्माण कार्यों को भी रोक देना चाहिए और ऐसा तमाम व्यवस्था नहीं, निर्माण कार्य देखिए मैं बिल्कुल आप सही कह रहे हैं गौरव जी, निर्माण कार्य के साथ में अब आपको एक चीज और बता दूं, अगर आप शाम के टाइम कभी आप जाइए या मॉर्निंग में सुबह 5 बजे के आसपास अगर आप देखिए तो जो ये सड़कों पे कूड़ा पड़ा है ना इसी के ढेरों को आग लगाई जा रही है, पराली से ज्यादा खतरनाक है, बिल्कुल ठीक है, पॉल्यूशन बोर्ड कर क्या रहा है, ठीक है, पॉल्यूशन बोर्ड को क्यों भाई आप तनख्वाह क्यों दे रहे हैं, पॉल्यूशन कार्यालय में है, यही सब चीजें देखने के लिए दे रहे हैं ना, क्या आप उसको सुपरविजन करें, ठीक है, आप उसको सुपरवाइज करें, ठीक है भाई, लेकिन वो देखते कहाँ है, कोई नहीं दिखाई देता, ठीक है, कुर्सी रोड पर एक भट्टा लगा हुआ है, लगातार प्रदूषण बोर्ड को लिखा गया, आज तक वो उसको नहीं बंद करा पाए, जबकि शहरी क्षेत्र में है, शहरी क्षेत्र में होना ही चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक है, और अभी दो दिन के बाद में ये पटाखों के प्रदूषण के लिए आप जरूर ये स्लोगन चालू कर देंगे कि पटाखे कम फूंकिए, चलो ठीक, 10 बजे से पहले बंद कर दीजिए, अभी इंस्ट्रक्शन आ जाएंगे शासन के, चलो ठीक है, ये अपने कंपनियों को नहीं देंगे, हो गया अभी भाई, हो गया, मैं सुनील भाई को लेता हूँ, सुनील भाई बड़े पत्रकार है और अनुभव उम्र बताती है कि तमाम चरणों को आपने देखा होगा, सुनील भाई पहले क्या स्मोक होता है, क्या आपका मेरा बचपन भी रहा है, पहले स्मोक होता है क्या, पहले ऐसी धुंध छाई रहती थी क्या, मेरे का खेती के सारी तब भी होती थी और पराली तब भी जलाई जाती होगी, अब तो तब भी कार्रवाई हो रही थी, तमाम रोक है, तो पराली को दोष देना कहाँ तक सार्थक है, ठीक है, और गाड़ियां अगर चल रही हैं तो उनको रोकने के लिए कौन सा सिस्टम आएगा, अगर पुरानी 15 साल पुरानी डीजल गाड़ियां चल रही हैं तो रोकने के लिए सिस्टम कौन सा बनेगा, इसको किसी रोका है सरकार ने, और जो महत्वपूर्ण मुद्दा है यहाँ पर सांस लेने की जरा उसको क्या कहें, सबको आपने समय दिया, 2 मिनट हमको भी दीजिए, बिल्कुल समय आपके लिए जी, मेरा ये मानना है कि जब हम प्रकाश साथ खिलवाड़ करते हैं तो बड़ा आनंदित होते हैं, क्या बात है, और प्रकाश जब हमारे साथ खिलवाड़ करते हैं तो हम तबाह होते हैं, बिल्कुल आज यही हो रहा है, बिल्कुल वृक्षों का अवैध कटन जी, मल्टी स्टोरी बिल्डिंगों में साकू सागवान पेड़ लगाए जा रहे हैं, पहाड़ खाली हो रहे हैं, अगर सरकार जिम्मेदार है गुरु जी उसके लिए हम भी जिम्मेदार, बिल्कुल जिम्मेदार है, आप देखिए आप चर्चा कर रहे हैं चक्रोड़, आप समझते होंगे जी, चक्रोड़ से हम सड़क पे आ गए जी, छपरों से हम पक्के मकान में आ गए, बिल्कुल आ गए,
पहलों से हम पोस्टर पे आ गए जी, बड़ा आनंद आया जी, हम तो विज्ञान युग में जा रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है जी। लेकिन प्रकृति ने ऐसा खेल खेला कि आज देखिए हमको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, बिल्कुल फेफड़े खराब हो रहे हैं। क्यों खराब हो रहे हैं, क्यों प्रकृति बिछड़ा? आपने प्रकृति जननी होती है गौरव जी, और उस जननी को अगर आज हम छेड़ेंगे तो निश्चित रूप से प्रसोद की भावना उसमें उत्पन्न होगी और हम लोगों को भी उससे नुकसान होगा जी। बिल्कुल आप बात कर रहे हैं, मैं तो गांव रहने वाला, हम लोगों का गन्ने खेती होती थी और गन्ने को हमने खुद अपने हाथ से खेत जलाया, गन्ने पत्ती को जी, कभी ये दिक्कत नहीं होती थी जी। पराली तो एक बहाना है, क्योंकि जब जाड़ा आता है तो नमी आने कारण ऊपर प्रदूषण पहुंच नहीं पाता है, मेरा मानना, मैं वैज्ञानिक नहीं हूं लेकिन एक जर्नलिस्ट नाते कि ऊपर वायुमंडल में दबाव बनने के कारण प्रदूषण ऊपर पहुंचता नहीं, इसलिए हमको नदी दिखाई पड़ता है जी। प्रदूषण हमेशा रहता है, चाहे गर्मी हो चाहे बरसात हो, बरसात में कुछ प्रकृति कैसी रहती है कि बारिश होती है प्रदूषण खत्म हो जाता है जी। लेकिन प्रदूषण कहिए पराली को जब हो रहा है तो उसके लिए भी सरकार जिम्मेदार है ठीक। इसलिए वो यंत्र पहले धान काटे जाते थे गौरव जी, आपने भी देखा जमीन से काटे जाते थे जी, जो पैरा निकलता था वो जानवरों खाने काम आता था, बिल्कुल निकलता था। आज विज्ञान के युग में हम आ गए, धान काट काट के खाई धान ले रहे हैं और पराली जो शेष पार्ट होता है वो खेतों जला रहे हैं, जानवर भूखे मर रहे हैं। अगर ऐसी स्थिति ना हो रही तो बता दी तो कहीं उसके दूसरी, तो हम भी सरकार को ऐसी मशीनों पर रोक लगा देना चाहिए कि जिन मशीनों से केवल बाली काटी जाती है धान की और पैरा उसी में रह जाता है ठीक है। अगर इस पे सरकार ध्यान दे दे गौरव जी तो पशुओं का चारा भी हो जाएगा और ये पराली की समस्या जो सब किसानों मत से मर दी जाती है कि किसान सब ये कर रहे हैं ये खत्म हो जाए, इसके लिए नगर निगम भी जिम्मेदार है, परिवहन विभाग भी जिम्मेदार है। आप देखिए परिवहन विभाग बसें जो निकलती हैं कितना धुआं फैला रही हैं जी, गर्मी में नहीं मालूम पड़ता, बरसात नहीं मालूम पड़ता जी, बिल्कुल जाड़े दिखाई पड़ता है जी। तो निश्चित रूप नीलामी में आ चुकी, तब भी चल रही है, नीलामी की स्थिति में आ चुकी तब भी चल रही है, क्या करो जी, तमाम बसें नीलामी की स्थिति में आ चुकी तब भी चल रही है, बिल्कुल चल रही है ठीक है, अंधाधुंध आप वृक्षों का कटान करेंगे तो निश्चित रूप से प्रदूषण फैलेगा। गौरव जी मैं एक सवाल करना चाह रहा हूँ अपने चंचल जी से जी, कि चंचल जी कह रहे हैं कि दीप जलाने से दिक्कत हो रही है, अरे दीप बनना शुरू है कितने रोजगार मिले लोगों को, गांव क्षेत्र में जाके देखिए, चाहे दिवाली पर्व हो चाहे जो भी पर्व हो, दीप उज्जड़ और दीपक से कितने लोगों को रोजगार मिला है, इस पे ध्यान शायद आप नहीं देते कि मैं गौरव जी, मैंने दीपक जलाने को दिक्कत नहीं बताई, मैंने कहा सरकार की प्रायोरिटी की बात की, वृक्षों का जो गिनी दू का रिकॉर्ड आप दर्ज करवा रहे हो इसकी प्रायोरिटी की बात कर रहा था, वो वृक्ष चले हो गया कहां जा रहे हैं ठीक है। सुनील भाई मैं चंचल भाई के बारे में लूंगा, पहले मैं अपनी बात यहां पर रखूं। देव भाई आज जवाब आपको यहां पर देना है, विवेक भाई आपको जानकारी है कि केंद्रीय वन मंत्रालय ने जानकारी दी थी, सबको जानकारी होगी कि सन 2021 के तहत लगभग हमारे देश में 31 लाख पेड़ काट दिए गए वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत, एक साल में 31 लाख पेड़ जी, क्या आवश्यकता थी, क्या जरूरत थी, लगेगा कितने जी, और क्या इतने पेड़ हमारे देश में लगाए गए? खैर यहाँ पर मैं तमाम रिकॉर्डों की बात नहीं करूंगा क्योंकि पेड़ और पौधे में अंतर होता है कि पौधा छोटा होता है ये सबको पता होगा, बीज पौधा पेड़ वृक्ष एक आयु के हिसाब से और विशाल व्यवस्था के हिसाब से वो होता है, तो पेड़ काट दिए गए, वृक्ष काट दिए गए बड़े बड़े 31 लाख के लगभग, ये 2021 का आंकड़ा है और ये आंकड़ा मैंने नहीं, ये लोकसभा में दिया गया है, सरकार की तरफ बताया गया है, आवश्यकता क्या थी, और आवश्यकता थी तो इसके लिए क्या हमने विकल्प खोजा था? क्योंकि यहाँ पर आप बोल रहे हैं कि पानी गिरेगा, पानी गिरता है दिवाली बाद सर्दियों पानी गिरता है, तो हम पानी के सहारे रहें या आप कोई ऐसा समाधान करने वाले हैं जिसके बाद से हो सकता है अगले साल इस समस्या का सामना आम जनता को ना करना पड़े, वो जनता जो आपको वोट देती है? देखिए गौरव जी, जो वर्तमान समस्या जो है वो पराली के धुएं को लेकर के धुंध बढ़ी हुई है। अच्छा अच्छा पराली जलाएं उसके लिए तमाम मुकदमे पहले ही हो चुके हैं। अच्छा। और हर बार सरकारों द्वारा एक कवायद की जाती है। अच्छा। किसानों का मामला है, बेहतर होगा कि सरकारें उनको जागरूक बनाए ठीक, और किसी भी स्तर पे सरकार के लोगों के द्वारा किसानों के साथ बैठ एक रास्ता निकलना चाहिए। अच्छा। आवश्यकता पड़ने पे इसमें मनरेगा के मजदूरों का भी प्रयोग होना चाहिए। अच्छा। ताकि पराली जलाने की नौबत ना आए। अच्छा ठीक है, एक चीज। दूसरी चीज है क्या, किसान जलाता क्यों है? अच्छा।
किसान जो पशुपालक नहीं है उसको लंबा खेत उसने कंबाइन से कटा लिया, अब वो सोचता है कि जल्दी से खेत खा लूं दूसरी फसल बोए, वो एक रुपए की माचिस खर्च करता है उसमें आग लगा देता है, धीरे धीरे पूरा जल जाता है, लेबर जल्दी मिलती नहीं गाँव में। विवेक भाई ये बताओ आपकी सरकार इसके रोकथाम के लिए क्या कर रही है, ये मत बताओ मुकदमे करा रही है तो रहा है जला देता है। देखो आप ये बताओ ना, आप तो शर्मा जी आप इस पे विषय चर्चा ना करो, आप तो राजस्थान और हिमाचल में तो आप बता रहे थे भाजपा ने कर दिया है। अरे विवेक तो भाई पर्यावरण एडवाइजर मत बनो, देखिए आप पर्यावरण एडवाइजर मत बनो, आप ये बताओ रोकथाम के लिए क्या कर रही है सरकार, माची कितनी जलाते हैं, सुनो भाई सूरज निकलता है गर्मी होती है, अरे हम क्या लल्ला नजर आ रहे हैं आपको, पप्पू तो नजर ही आ रहे हो भाई, हमें मत समझाओ पप्पू तो हो, आप ये बताओ रोकथाम के लिए क्या कर रही है सरकार भैया, पप्पू उस पर चर्चा थोड़ी कर ली, गंभीर लोगों चर्चा करी, चंचल जी बात पप्पू आपका बाप बन चुका है, विवेक भाई पप्पू आपका बाप बन चुका है, पप्पू आपका बाप बन चुका है, पहले पता कर लो पप्पू बाप बनने लायक है कि नहीं है, अरे पहले पता करा आपको कैसे पता, ये तो आप बताओ, अरे भाई पहले चेक कर लो भैया शर्मा जी पप्पू किस लायक है, तो आप ही पीपे में पप्पू क्यों बोल रहे हैं भाई, क्यों ने बोले इनकी पार्टी सांसद बोला पप्पू, नवजोत सिंह सिद्धू सबसे पहले पप्पू बोला है, अच्छा इनकी पार्टी में पप्पू बाप बन गया आपका, किसका आपका, लो मैं कह रहा शर्मा जी विषय गंभीर ठीक है, हो गया गंभीर राज भाई, ये कांग्रेसियों से चर्चा देख लेना दाएं बाएं अपने, ये कांग्रेसियों से चर्चा हमें समझा रहे हो, ये हिमाचल में आप भाग गए, राजस्थान में आप भाग गए, छत्तीसगढ़ में चर्चा से भाग गए, उसके बाद आप पूछ रहे हो किस पे करने के लिए क्या कर रहे हैं, हम क्या किसान को जेल भेज दे क्या, हम किसान को जागरूक करने के अलावा हमारे पास उसको हथकड़े लगाने का ऑप्शन नहीं है, हम किसी किसान को गिरफ्तार करके नहीं जा रहे, साफ सुन लीजिए, हम पराली जलाने के अभियोग में किसी किसान की गिरफ्तारी नहीं करेंगे, हम जागरूक कर सकते हैं उसके साथ बैठ के बातचीत रास्ता निकालने की कवायद होगी, हम किसी किसान को जेल नहीं भेजने वाले, और सुन लीजिए आग लगा देते हैं ये क्या आपकी रैली में आ गए, अरे ये तो राजस्थान में 19,000 किसानों की जमीन कुर्क करने वाले लोग हैं, ये क्या बात करेंगे, तो ये बात का जवाब दे दो, ये 19,000 किसानों की जमीन कुर्क करने वाले लोग ये क्या बात करेंगे, मैं कह रहा हूं आज अभी आपने कहा गोमती में नाले गिरते हैं, एको नाले भाजपा सपा सरकार में गोमती गिरे क्या, अगर ये गिराए हुए नाले अगर ये खड़े हो जाए जहाँ पे वहाँ पे प्रदूषण हो जाएगा, अरे भाई क्या करे पर्यावरण, इनसे तो पूरा विश्व तंग है, अच्छा आपको समझ ही नहीं आ रही है, अच्छा, हमें समझा रहे हो भाई, अच्छा, विवेक भाई मुझे दिक्कत ये है, हाँ, आपने क्या करा मुझे ये जानना है, हाँ, मैं नहीं कह रहा हूँ आपने गाय के चार पैर होते हैं दो आंखें होती है वो भूत देती है, हाँ, लल्ला है क्या, हमने तो आप हमें समझाओ क्या, चल भी रही है क्या करें, हमने तो एंटी स्मोक गन भी मंगाई चल भी रही है, आप तो अपने शासित राज्यों में जवाब देने से भाग गए, आपने भाजपा के नाम पल्ला झाड़ लिया, ये इस तरह से बचकाने जवाब एक नेशनल चैनल पे एक राष्ट्रीय पॉलिटिक प्रवक्ता को देता है, आपने डिबेट की गरिमा का परिचय दिया जी, आप बात कर रहे हैं आप किस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं, जब भी आप चैंकर ये पूछ रहे थे तो आप भाजपा के नाम रख के भाग गए, ये राष्ट्रीय पॉलिटिक प्रवक्ता का आचरण है, क्या आपने देश की महिला का गरिमा समझी, कौन से देश की महिला, आपने डॉक्टर की गरिमा समझी, कौन से देश की महिला, आपने झूठ और सच की गरिमा समझी, कौन से देश की महिला भाई, चलिए करो जी सबको मौका लिए तो चले, हो गया ये बता दूं देश की महिला, चले मुद्दे पे आइए भटके भटके, चलिए गौरव भाई ये पर्यावरण प्रदूषण जब तक कम नहीं होगा, हाँ, जब तक ये भारतीय जनता पार्टी इस सत्ता से नहीं हटेगी, अरे तीन दिन सत्ता तो आप बैठे वहां करवा दिए कुछ बेहतर है भाई, राज भाई जिसका जो काम है, भाई, अच्छा, जिसका जो काम है, अच्छा, ये एनजीटी का काम है, अच्छा, एनजीटी क्या प्रदेश देखता है, एनजीटी बताइए, अच्छा राजस्थान में एनजीटी आएगी प्रदूषण कम करने, शर्म नहीं आती बोलते हुए, राजस्थान में छत्तीसगढ़ में शिमला में एनजीटी जाएगी प्रदूषण कम करने, वहाँ के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का अधिकारी नहीं है, इसलिए चले गए हैं अधिकारी नहीं है, अच्छा ये बता राजस्थान का प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड क्या सचिन पायलट साथ सड़क पर चल रहा था क्या मुख्यमंत्री बनने के लिए, विवेक भाई मुंह से बोलो ये बात, राजस्थान का पर्यावरण प्रदूषण दूषित हो गया, सचिन पायलट के साथ अशोक गहलोत पटेल रहा था, अच्छा क्या कह रहे हो, क्यों
राजनाथ सिंह की पटरी है, गडकरी की पटरी है, अरे नरेंद्र मोदी की पटरी है, अमित शाह की पटरी है। आपके शासित राज्यों का प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड क्या कर रहा है? आप जिस तरह से प्रश्न उठा रहे हो, अगर जवाब चाहते हो तो जवाब देना भी सीखो, हम तो जवाब दे रहे हैं। चलिए हो गया, 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 चलो ठीक है। इसे दिल्ली का केकड़े और लखनऊ पे भी जवाब दे रहे हैं, प्लीज। आप तो राजस्थान, छत्तीसगढ़ में भाग हो गया, हिमाचल में भाग चंद्र जाना बोले, चंद्र जाना बोले। चलिए मुझे यूपी का हिसाब चाहिए, चलिए रसमा हो गया, मुझे यूपी का हिसाब चाहिए। चलिए ठीक है, रसमा हो गया। देखिए गौरव भाई, चंद्र भाई बोलेंगे। हाँ, इस सरकार में कौन परेशान नहीं है आप मुझे बताओ। अच्छा, ऐसा कोई तबका बता दो, चाहे नौजवान हो, चाहे किसान हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे हमारी बहनें हो। सोचिए आप, देखिए डायल 100 की, देखिए आपने देखा होगा किस तरीके से लाठी चार्ज हो रहा है, किस तरीके से महिलाओं को डायल 112 हो गई वो। हाँ, खैर इन्होंने नाम बदलने की आदत है। अच्छा अच्छा, हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी अपने नाम बदले थे और बाकी लोगों ने नाम बदले हैं। अच्छा अच्छा, तो इनका वो है ये चलन बहुत सारी चीज़ों का नाम बदलने का, केवल नाम ही बदलना है, बाकी कुछ काम नहीं करना है। मैं ये कहना चाहता हूँ, आप मुझे बताइए कि आप खुद सोचिए कि समान वेतन पे डायल 100 में पिछले 7-8 सालों से लोग काम कर रहे हैं, कम से कम महंगाई इतनी तेज बढ़ रही है आपके शासन में। सोचिए 8-9 सालों में 400 गैस सिलेंडर 1100 पहुंच गया, लेकिन वही समान वेतन। अच्छा अच्छा, और सोचिए, और ये न जाने ये सरकार क्यों जो है लोगों को संविदा पे काम कराना चाहती है। और एक बात बड़ी सोचने की बात है, आप खुद सोचिए गौरव जी, व्यवस्था तो आप ही लेके आए थे ना। नहीं नहीं, मेरी बात सुनिए, मेरी गारंटी तो आप ही लेके आए थे ना, हम लोग परमानेंट करने की बात हुई थी ना, परमानेंट ले आते आप, मेरी बात सुनिए, करके गए होते। सुनिए तो, मैं डायल 100 अभी अभी व्यवस्था तो आप ही लेके आए थे, और इन्होंने आपने परमानेंट नियुक्ति की थी क्या? हमने झूठ बोला करिए तो तरीके से बोला करिए विवेक जी, ऐसा ना बोला करिए खुशी अगले 4000 से स्टार्ट करी थी हम लोगों ने। यही समाजवादी की समस्या है, अगले चौराहे भटक जाते हैं। इस संविधान व्यवस्था डायल 100 में आप ही तो लेके आए थे, सुन तो लीजिए, ज्यादा सुचिंतक थे तो। अरे भाई, आपने नाम बदले, आपने नाम बदले ना, अरे तो हमने जो कर समझ पाया हमने किया। अरे नाम नियुक्ति तो आप ही, बस आपकी समझ यही थी नाम बदलने का। ठीक है, नहीं मैं पूछिए, मैं आपको ऐसे ही समझती कि नाम बदलने को इस्तेमाल कर दिया। अब मुझे आप बताइए विवेक जी, संविधान मुझे आप बताइए, हमें बता दे, आप बताओ, आप ही तो प्राइवेट कंपनी को ठेका देना चाह रहे हो, वो भी मुझे सुनने में आ रहा है गुजराती कंपनी ठेका देने जा रहा है। हम करते हैं तो सवाल ये है कि आप विवेक जी, क्या आपके पास उत्तर प्रदेश की कंपनियां नहीं है? आप बताइए, क्या विवेक जी, क्या उत्तर प्रदेश के लोगों में यहाँ उत्तर कंपनियां नहीं है? आपने संविधान पे एम्बुलेंस दे दिया, आपने संविधान पे एम्बुलेंस चल रही है, रुक जाइए, लोगों के समय में एम्बुलेंस घर तक पहुंची, आपने किसी को परमानेंट एक से दो घर तक पहुंची थी, आप जो संविधान है, आज एम्बुलेंस चल रही है, मैंने गौरव जी को बताया था, आपने क्या वहाँ पे जो है साइकिल, आपके पास 5 साल मौका था तो आपने सब संविधान पे बांटा, तब ना आपने आरक्षण के नियमों की जानकारी की, ना उसका चिंता की। आज आप कहते हैं कि संविधान में आरक्षण खराब हो रहा है, आरक्षण का लाभ लोगों को नहीं मिल रहा। ये 5 साल जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तब क्या आप संविधान के में आरक्षण का पालन करा रहे थे क्या? आपने आपने हैदराबाद कंपनी आपने आपने उनको निकाले कहां? सुन लीजिए, आपने हैदराबाद कंपनी को एम्बुलेंस व्यवस्था दे दी, आपने 112 संविधान व्यवस्था की, और आज आप कहते हैं कि संविधान में इनको क्या रुचि है? आप संविधान कायम करके क्यों गए थे? देखिए बीजेपी का काम केवल गुमराह करना है। मैं बताऊं, सुन लीजिए, मेरी बात तो सुन लीजिए, बता रहा हूं ना, सारे तो आप ही समझ, आप मुझे बताइए, यही बेचारे हमारे 108 और 102 के एम्प्लॉई लगातार धरने बैठे रहे, इस सरकार के कान पे जूं तक नहीं देंगे। 69,000 शिक्षकों की भर्ती में आरक्षण खा गई है, आप चाहे कान पे जूं तक नहीं देंगे। तो आप मुझे बताइए, यही डायल 100 के हमारे जो है लेकिन आपने क्या किया? और उनकी जो है नियुक्तियां खत्म करना चाहते हैं, ठीक थी तो आज संविधा गलत कैसे हो गई? चलिए ठीक, आप मुझे बता दीजिए, नहीं आप करें तो ठीक, हमारे समय संविधान हो गया, समाजवादी लोगों ने जो व्यवस्था दी थी आप उसका बंटा ढार कर, मैं विवेक शर्मा को ले रहा हूं, 1090 वुमेन पावर लाइन दिए थे, आज उसी का हाल आपने बना के रख दिया है। चलिए ठीक है, आज सोचिए, फोन नहीं उठता है, आज एम्बुलेंस नहीं पहुंचती है, गांव गांव एम्बुलेंस पहुंची आप पहुंच नहीं पाती है। हम आज बात करें प्रदूषण की, बात कर रहे थे, मैंने आपसे पूछा, एक मिनट गौरव जी, दस सेकंड गौरव जी, मैंने पूछा, बड़े तार्किक सवाल मैंने पूछे आप, मैंने पूछा कि आप मुझे बता दो कि आपने 131 करोड़ पौधे लगाए हैं, एक कोई पार्क बताओ जहां पे 100-200-500 दिखाई देते हो आपको, एक कोई जगह बता दो जहां मुख्यमंत्री द्वारा लगाए गए पौधे दिख रहे हो आज के समय में 131 करोड़ में जी। लेकिन सब जुमलेबाजी झांसेबाजी है, सब केवल कागजों पे चल रहा है, ये भ्रष्टाचार की इंतहा है। चलिए
ये जान लीजिए, ये सारे के सारे रिकॉर्ड पार कर गए ये लोग। आप जाइए ना लाइन रिकॉर्ड देखिए, आप लोगों ने पार्कों को डेवलप करने का काम किया पूरे प्रदेश में, गजरिया सिटी के बगल में आप आइए आपने हम लोगों ने लाखों पेड़ लगाया है बगल, जो ट्रिपल आईटी आपने देखा है, जो होटल और जो वो अंदर स्टेडियम देखा आपने, उससे बड़े कितने पेड़ हैं होटल जो मल्टी स्टोरी जो आपने बेचा है, नाम तो ले लीजिए अपने दोस्तों का, जो हम लोग बना रहे हैं बेच रहे हो, हमने नहीं बेचा, आपने बनाई, आपने ताला बंद कर रखा है, आपने ताला बंद कर रखा है, जमीन आपने बेची है। चंचल यादव हो गया, बेशस्त हो गए चंचल भाई, वो अच्छी बात है आपने कही नहीं, पूछ लीजिए, मैं सवाल जवाब ले लीजिए। मैंने आपने 112 की बात कही, बिल्कुल यहाँ पर आप संविधान पर लेके आए थे, बीजेपी को यहाँ पर सोच रहे थे सरकार में दोबारा मौका मिला है, पर मेरा एक सवाल आपसे, जब दर्द है, जब आप सिस्टम को लेके आए थे 100 नंबर लेके आए थे, 112 हो गया, मैं मान लेता हूँ ये व्यवस्था आपके द्वारा लाई गई थी, पर जब व्यवस्था से जुड़े हुए लोग तो आपके द्वारा ही थे, और अगर वो पीड़ित हैं तो क्या केवल ट्वीट होगा? अरे साथ हमारे हमारी महिला सभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष वहां पे जाके लोग गए, पूरी पार्टी साथ खड़ी है, आपकी पार्टी सोशल मीडिया हैंडलर के लिए पूरा सिग्नेचर मुख्यालय घेर लेती है, अरे पूरा प्रदेश घेर दिया जाएगा। सुन लीजिए, तो क्या उन लड़कियों के जिनके लिए आप दर्द यहाँ पर बांटने की बात कर रहे हैं, क्या उनके लिए एक आंदोलन नहीं हो सकता समाजवादी? एकदम आंदोलन होगा, और बीजेपी के चूरे ही ला देंगे हम लोग, अब निश्चिंत हो जाइए। अब देखिए समाजवादी लोग बैठने वाले लोग नहीं है, अब ये विवेक जी को सोचना पड़ेगा, कम से कम ये जरूर आप बात तय करो, जिन लोगों ने नौकरियां दी है, जिन लोगों ने नौकरियां दी है, नौकरियां खत्म करने का काम कर रहे हैं, आप बताओ डाल में कितने लोगों को उम्मीद करता हूँ 112 के साथ जाके बैठेंगे जो लड़के मामले एकदम बैठेंगे, एकदम बैठेंगे, कल से बैठेंगे, और हमारे यहाँ हमारे सपा के बड़े बड़े नेता बैठे हैं, अभी हमारी जो है महिला सभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलाकात नहीं श्रीमती बैठेंगे नहीं बैठेंगे बैठी थी, और हमारे यहाँ आप बैठेंगे लगातार नहीं बैठेंगे एकदम बैठेंगे। चलो ठीक है, बड़ा बयान दिया है स्टेटमेंट, चलो ठीक है, मैं समाज से विवेक शर्मा को लूंगा, मुद्दे पे फिर आते हैं, वे भाई मुद्दा डाइवर्ट कर दिया गया, पर फिर मुद्दे पे आएंगे हम, वे भाई क्या आखिरी समय चल रहा डिबेट का, क्या लगता है जिम्मेदारी किसकी है और क्या कुछ हम बेहतर कर सकते हैं? बे शर्मा, बे भाई, बे शर्मा आपको मेरी आवाज आ रही है? विवेक शर्मा आपको मेरी आवाज आ रही है? शायद विवेक शर्मा का फोन कट गया है, मैं सुनील भाई की बात लूंगा। सुनील भाई, आपका अनुभव क्या बोलता है कि क्या कुछ कर सकते हैं जिससे चीजें बेहतर हो, क्योंकि यहाँ पर केवल आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहेगा, जनता की सुध कोई नहीं लेगा, जवाब आपको लेना है। गौरव जी, ये राजनीति करने के विषय नहीं है, बिल्कुल, ये हवा गरीब अमीर सबके लिए एक जैसी ही आ रही है, बिल्कुल, इसलिए इस पे राजनीतिक बयान देना, राजनीति करना कि इनकी सरकार उनकी सरकार नहीं, ये प्रकृति की खतरे की घंटी है जो हम लोगों में बज रही है जी, कि अगर आप प्रकृति से इतनी तरह खिलवाड़ करते रहोगे तो जीना हराम हो जाएगा, और जीना हराम हो रहा है गुरु जी, इस पे सरकार को और हमको और आपको जनता को जी इसे ध्यान देना चाहिए, जो प्रदूषण फैलाने वाली चीज दिवाली आ रही है, मैं उत्तर प्रदेश वासियों देशवासियों से निवेदन कर रहा हूँ, दिवाली में पटाखे न दगाइए, ठीक है, बचाइए लोगों को, ठीक, अगर आप ऐसे प्रदूषण फैलाएंगे तो एक दिन सांस लेना मुश्किल हो जाएगा गुरु जी, ठीक है, सुनील भाई स्टेटमेंट आखिरी क्या बोले चंचल यादव? देखिए सुनील जी, मैं एक तो पहली बात थोड़ा सा आपने मिसलीड कर दिया था, मैंने मेरा मतलब ये कतई नहीं था जी कि दीपक मैं विरोध नहीं कर रहा था, मैंने कहा सरकार की प्रायोरिटी में क्या है जी, सरकार केवल ऐसे रिकॉर्ड बनाना चाहती है गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड दर्ज हो, लेकिन उसका मिसयूज कर रही है, वो मिसयूज कर रही है, और दिखावे के चक्कर में जो है आज आप देखें पूरे प्रदेश में दिखावे के चक्कर में भ्रष्टाचार चरम पर है, ठीक, केवल दिखावे के चक्कर में, और यही इनके जो अधिकारी हैं, हाँ। अब गौरव विवेक जी मैं धन्यवाद करता हूं, कम से कम अधिकतर समय पे सही सही बातें बोल देते हैं ये, इनके क्या? अधिकारी इनके भ्रष्ट अधिकारी जो है जिस तरीके से पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार की सारी पराकाष्ठा पार कर चुके हैं, ठीक, आपने कौन सा डिपार्टमेंट है आप मुझे बता दो जिसमें सबसे चरम भ्रष्टाचार चरम बना हो, ठीक है, जवाब आपको लेना है, चर्चा खत्म करता हूं। देखिए गौरव जी, जो समस्या है वो गंभीर है, ठीक, और पर्यावरण के लिए सरकार के ही पाले में सारी बात हम डाल के अपने कर्तव्यों से मुक्त नहीं हो सकते, बिल्कुल, हमारी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं पर्यावरण के प्रति, ठीक, हमें भी गंभीर होना पड़ेगा, सारा पेड़ सरकार लगाए, हम केवल पेड़ खरीदें काटे, ठीक, लकड़ी घर में बनाएं लगाएं, ठीक, ये चीजें ठीक नहीं है, ठीक, अगर हम कोई घर बनाते हैं तो दो पेड़ हमको भी लगाना चाहिए, ठीक है, और यानी कुल मिला के आप पानी और के सहारे रहेंगे और पेड़ लगवाएंगे बस,
देखिए ये प्रकृति की समस्या है। अच्छा अच्छा, ये इसका कोई ऐसा आपके पास अजूबा हल नहीं है कि जो आप जेब से निकाल देंगे वो समस्या दूर हो जाएगी। ठीक है ठीक है, इसके लिए सबको लगना पड़ेगा, सबको लगना पड़ेगा। सरकारें भी इस पर गंभीर हो रही है, आप देख लीजिए, दिल्ली में भी प्रयास हो रहे हैं, उत्तर प्रदेश में भी आप सड़कों पर स्मोक गन लखनऊ में चलते देख लेंगे, ऐसा तमाम प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी पर्यावरण एक गंभीर समस्या बनती जा रही है। इसके लिए सबको मिलजुल करके इससे जूझना पड़ेगा, इसके इलाज के लिए लगना पड़ेगा। इस महत्वपूर्ण चर्चा पर जुड़ने के लिए सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ चर्चा बड़ी महत्वपूर्ण थी, पर चर्चा यहाँ पर बीच में कुछ हास्यास्पद भी रही है। किसी ने बीजेपी को जिम्मेदार माना तो कोई यहाँ पर अपनी अलग ही प्यार कहता हुआ नजर आया, पर समस्या यहाँ पर बड़ी है। समस्या आज नहीं, समस्या लगातार हो रही है, और समस्या का कारण क्या है वो हम सभी जानते हैं, लापरवाही, गैर जिम्मेदारी। क्योंकि लगातार हर साल के साल इस तरह की चीजें आ रही हैं, तो स्पष्ट करते हैं कि हम व्यवस्थाओं से अनुभव नहीं लेते हैं, हम गलतियों से अनुभव नहीं लेते। जब हम गलतियों से अनुभव नहीं लेंगे तो व्यवस्थाएं बढ़ती चली जाएंगी। प्रकृति को सहेजने के लिए जिम्मेदारी भी सरकार की है, आपको किसी ने रोका नहीं है। पेड़ लगाने की जो नियति होती है उसको बढ़ा सकते हैं, पेड़ काटने की व्यवस्था को रोक सकते हैं, ई वाहनों को बढ़ावा दे सकते हैं, सब्सिडी के माध्यम से बढ़ावा दे रहे हैं, और जो गाड़ी धुआं दे रही है उनको रोक सकते हैं, निर्माण कार्यों में भी यहाँ पर तालमेल बैठा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आसमानी बरसात के ना सहारे रहते हुए स्मोक गन से भी या वाटर कूलिंग गन से भी यहाँ पर पानी से बरसात कर सकते हैं। कुछ तो हल निकलेगा, हल निकालने के लिए नियत जरूरी है और नियत के साथ व्यवस्था जरूरी है। हमारा देश विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और व्यवस्थाओं के मामले में, रिसोर्स के मामले में सबसे आगे है। व्यवस्था सुधारनी आपको है और व्यवस्थाओं को बेहतर भी आपको करना है। जनता ने आपको जिम्मेदारी दी है, उसको निभाइए, और कम से कम सरकार को यहाँ पर काम करने की जरूरत है। चुनाव जरूरी है, व्यवस्थाएं जरूरी है, पर जो वोट देने वाली जनता है इसका जिंदा रहना भी जरूरी है। क्योंकि अगर व्यवस्थाएं बेहतर रहेंगी तभी जनता जनार्दन रहेगी, तभी हमारा लोकतंत्र रहेगा। तो आज की चर्चा में इतना ही, नमस्कार।